तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखना चाहेंगे और आपको पहले बता दें यूपी टेट ऑफिशियल आंसर की आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और कितने नंबर फ्री के मिलेंगे दोस्त इस वीडियो में, इसको भी देखेंगे क्या यूपी टेट की परीक्षा दोबारा होगी। तो दोस्तों पहले हम आपके सामने कुछ बड़ी अपडेट आज की रखते हैं जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सामने आ रही है। और सबसे पहले दोस्त अगर आप इस अपडेट को देखेंगे कि यूपी टेट 2017 के प्रश्न पत्र से रिपीट हुए अधिकांश प्रश्न, तो दोस्त ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है कि भैया एक क्या क्वेश्चन पेपर यूपी टेट में नहीं सेट कर पा रही है पीएनपी। देखिए अगर एक या दो प्रश्न रिपीट हो जाता तो चलता, लेकिन जब इतने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि क्या परीक्षा को रद्द किया जाएगा या मामला हाई कोर्ट जाएगा। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट है और उसके बाद हम बात करेंगे अगली अपडेट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेट का जो पेपर था हमारा, जरा इस अपडेट को पहले देखिए, फर्जी पेपर वायरल वाली अपडेट क्या थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्जी प्रश्न पत्र वायरल के बीच 84.15% ने दी यूपीटीटी की परीक्षा। लेकिन दोस्तों आप अंदाजा लगाइए, जहां पर 21 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, अगर 10% बच्चे भी पेपर छोड़ेंगे तो उनकी संख्या 2 लाख से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो गाइस लाखों बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, जिम्मेदार कौन है? सरकारी जिम्मेदार होगी। लेकिन एक बात और यहाँ है कि जिन बच्चों का पेपर छूट गया, क्या उन बच्चों को एक और मौका दिया जाएगा पेपर देने का? इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए इस अपडेट में जरा कि एजेंसी से जांच में सही नहीं मिले वायरल प्रश्न पत्रों के प्रश्न। और देखिए दोस्तों कुछ बच्चों के साथ धोखा ये किया गया कि कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट हो गए या मतलब उनके में मोहर साइन नहीं था, उन बच्चों को पेपर देने नहीं दिया गया। ठीक है, बहुत से दोस्त ऐसे बच्चे थे जो सेंटर पर 5-10 मिनट के लेट से पहुंचे। और आपको पता है कि इस समय भैया कोरोना के जब मामले लाखों में चल रहे हैं, पर डे लाखों मामले सामने आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी दोस्तों सरकार ये कर रही है कि बच्चों से बताइए पेपर जबरदस्ती। बहुत से ऐसे सेंटर पर दोस्तों आपने वीडियोज को भी देखा होगा कि बच्चे हो सकता है 1-2 मिनट से लेट से पहुंचे हो, उन बच्चों का भैया पेपर नहीं देने दिया गया। जबकि दोस्तों पेपर 10 बजे से शुरू था तो भैया 9:30 बजे गेट क्यों बंद किया जा रहा है? मतलब दोस्त इनको अपनी ही कमी हर जगह देखते, मतलब अब बताइए आधा घंटा बच्चा क्या करेगा एक्स्ट्रा बैठ के। मान लेते कि कोई बच्चा किसी भी कारणवश लेट हो गया 2-4 मिनट, तो पेपर तो कम से कम उनको देने दिया जाता ना। ठीक है, नियम में लिखा था, लेकिन सब कुछ आपके सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारलोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, 3 लेखपाल समेत 13 गिरफ्तार हुए। प्रयागराज में पकड़े गए लोगों में 8 साल्वर है, सरगना भी दोस्तों शामिल है। तो आप देख सकते हैं भैया साल्वर गैंग भी एक्टिव था। तो जरा इस अपडेट को देखते हैं और इसके बाद ही क्लियर होगा कि भैया आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी या पेपर दोबारा कराया जाएगा। देखिए होगा क्या ना, अगर दोस्त इस बार इतने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो गए तो बच्चे क्या करेंगे कि आगे जब पढ़ेंगे ना तो सभी बच्चे अब तैयारी करेंगे, भैया 2018 वाला प्रश्न पत्र पूरा रट लो, 2019 का रट्टा मार लो, हो सकता है कि वही सारे रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इस अपडेट को जरा देखते हैं हम लोग। पहले देखिए दोस्त यह महज सहयोग है या कुछ और, लेकिन प्रश्न उठ रहे हैं कि यूपी टेट 2021 के प्रश्न पत्र में अधिकांश प्रश्न वर्ष 2017 की यूपी टीटी से रिपीट हुए। ऐसा किसी एक विषय प्रश्नों में नहीं बल्कि कई में हुआ। यह स्थिति पर शिक्षक ने हैरानी जताई, कहा कि हिंदी विषय में अपठित गद्यांश भी 200 रिपीट हो गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि हो सकता है दोस्तों जानबूझकर ऐसा किया गया हो। तो ये दोस्त एक बहुत ही बड़ी चूक है। और उसके बाद देखिए प्राथमिक स्तर की यूपी टेट 2021 में 150 प्रश्न पूछे गए, इसमें 5 विषय से जुड़े प्रश्न शामिल है। बाल विकास में शिक्षण विधि के 30 प्रश्न है, इसी तरह भाषा प्रथम में दोस्त हिंदी में 30 प्रश्न, फिर उसके बाद दोस्तों जो आपने सेकंड लैंग्वेज ली होगी इंग्लिश या संस्कृत उसमें 230 प्रश्न, ये सब है। देखिए इसी तरह वर्ष 2017 की परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे। कौशाम्बी के टेवा स्थित एक विद्यालय के सहायक अध्यापक अनिल कुमार पांडे ने प्रश्न पत्र सेट किए जाने पर सवाल उठाया, दावा किया है कि शिक्षण विधि हिंदी संस्कृत गणित और पर्यावरण अध्ययन में पूछे गए अधिकांश प्रश्न वर्ष 2017 से हुबरू लिए गए। उदाहरण के लिए दोस्तों देखिए आप क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर गए। तो गाइस यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट्स आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। जब इतने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना तो परीक्षा को रद्द भी किया जा सकता है, क्योंकि आप बताइए अब सेम क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो फिर होगा क्या? जरा 1-2 क्वेश्चन देखिए मैच करता तो चल जाता है, लेकिन जब ज्यादा क्वेश्चन मैच करते हैं तो देखिए दिक्कत होती है। देखिए आगे की अपडेट जरा, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्न पत्र रिपीट होने के मामले में पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षाओं में सवाल घुमा फिराकर पूछे ही जाते हैं, पूर्व में जो प्रश्न परीक्षा में आए होते हैं वह बाद की परीक्षा के प्रश्नों में शामिल किए जाते हैं जो सबके लिए समान होते हैं, उन्होंने आरोपों को गलत बताया है। तो दोस्तों देखिए सब कुछ आपके सामने है और देखते हैं अब क्या होता है, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने देखिए लाते रहेंगे। बाकी परीक्षा रद्द होती है नहीं होती है
या जिन बच्चों का पेपर छूट गया है उनके साथ क्या होगा, देखिए आप पेपर देकर आ गए हैं, आप लोग अपने नंबर मिला लिए होंगे। देखिए अभी जिन बच्चों को अपना नंबर मिलाना है तो हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग यूपी टेट आंसर की जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अभी तक ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, ठीक है, तो इंटरनेट पर जो सोशल मीडिया पर चल रही आंसर की, आप उससे अपना नंबर मिला सकते हैं कि आखिर आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो ये दोस्तों छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा था। देखिए कुछ बच्चे क्या होता है ना, देखिए धोखा कैसे हम आपको बता रहे हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को रट्टा मार लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो नए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि भाई अब आगे के लिए हम लोग जब 2021 या 2022 में हम यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो हमको ये लगेगा ना कि क्वेश्चंस नए होंगे, ठीक है। अब ये थोड़ी नहीं रहेगा कि पुराना प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर जाए, तो ये बात दोस्तों है। तो अब यही हुआ कि एक वर्ग को फायदा हो गया, जो बच्चे सिर्फ प्रीवियस ईयर के पढ़कर चले गए उनका तो पेपर बहुत अच्छा गया होगा, अब उन बच्चों का पेपर उतना अच्छा नहीं गया होगा जो बच्चे नए क्वेश्चन रोज पढ़ते थे, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई के। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी आपके सामने लाएंगे। एक और बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बड़ा भाई गया टीटी देने, छोटे ने लगा ली फाती। जी हाँ दोस्तों, ये भी अपडेट भाई चौंकाने वाली थी जो कि आई है। उसके बाद देखिए, जानिए यूपी टेट देने के दौरान मुजफ्फरनगर में क्यों हुआ हंगामा तोड़फोड़। अपडेट को पहले हम आपके सामने रखते हैं। एक और बात आपको बता दें, परीक्षा केंद्र के बाहर पेपर के बारे में बात करने पर हुआ संदेह, पुलिस ने हवालात पहुंचा दिया। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के दौरान एक शिक्षण संस्थान के बाहर से एसएचओ और सर्विलांस की टीम ने 3 साल्वर पकड़े हैं। आरोपियों में 2 लखीमपुरी खीरी और 1 सिकोहाबाद का है। परीक्षार्थी से सौदा कर उसकी जगह पेपर देते थे, कुछ साथी बाहर बैठकर मोबाइल पर उसको पूरा पेपर करा देते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब बातें हैं, और यहाँ पर फांसी लगा ली छोटे भाई ने। उसके बाद देखिए क्या हो गया, तोड़फोड़ भी हो गई। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों के हंगामे के साथ शुरू हुई। 2 पालियों में हुई परीक्षा, 2434 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पहली पाली के दौरान, ठीक है, एचडी पब्लिक स्कूल में प्रवेश न मिलने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा काटते हुए केंद्र का मुख्य गेट तोड़ने का प्रयास किया। देर से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश। तो दोस्तों कोई बच्चे थे ज्यादा देर से नहीं पहुंच गए थे कि भैया पेपर खत्म हो गया हो, या कि पेपर खत्म होने के बाद पहुंच रहे हो, पेपर शुरू हो गया हो। तो जरा इस अपडेट को देखिए, रविवार को यूपी टेट परीक्षा के लिए जनपद में परीक्षा केंद्र बनाए गए। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 21 केंद्रों पर शुरू हुई, जो 12:30 बजे तक चली। सुबह बारिश के चलते कुछ अभ्यर्थी देरी से पहुंचे। जब देखिए आपको पता है कि बारिश हो रही है, तो उसके बाद इतना तो मतलब समझदारी होनी चाहिए केंद्र व्यवस्थापक में वहां पर कि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत लेट हो गया। और लेट क्या हुआ, पेपर 10 बजे से शुरू होता है, 10 बजे से बच्चे पहले पहुंच चुके थे। उसके बाद देखिए 9:30 बजे तक केंद्र में प्रवेश का समय था। जानसठ रोड स्थित द एचडी पब्लिक स्कूल में 9:30 बजे के बाद पहुंचे कुछ अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिला, जिसके बाद हंगामा करते हुए तोड़फोड़ कर दी गई। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है। अब एक सवाल और है, अब जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया या जिन बच्चों का पेपर जानबूझकर नहीं देने गया, क्या सरकार उनका पैसा लौटाएगी? 1200 रुपये का दोस्तों देखिए फॉर्म था, तो एक मुहिम दोस्तों इस पर भी बच्चे कह रहे चलाने को कि भैया जिनका पेपर नहीं हो पाया किसी भी कारण से, या पेपर नहीं देने दिया गया, कम से कम सरकार उनका पैसा वापस करे। तो ये भी दोस्तों सवाल है कि क्या उन बच्चों का पैसा वापस किया जाएगा कि नहीं, जिन बच्चों को भैया जबरदस्ती पेपर नहीं देने दिया गया। सिंपल सी बात है, अगर आप पेपर देने नहीं दे रहे तो पैसे ही वापस कर दीजिए। देखिए करीब 15 से लेकर 20 अभ्यर्थियों ने अंदर जाने के लिए दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार श्रीवास्तव और DIOS गजेंद्र कुमार पहुंचे, जिसके बाद उन्हें पहुंचकर अभ्यर्थियों को शांत करते हुए प्रवेश दिलाया। देखिए दोस्तों बाद में उनको प्रवेश दे दिया गया। जरा आप समझिए, अगर ये बच्चे प्रयास ना करते तो क्या इनको पेपर देने का मौका मिलता? पहली पाली में सभी केंद्रों पर दोस्तों 9,687 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1,387 बच्चे अनुपस्थित रहे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, बहुत से केंद्रों पर ऐसा भी हुआ जहां बच्चों को पेपर नहीं देने दिया गया, उन बच्चों का क्या पैसा वापस होगा? तो देखिए अगर आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो भैया आपको पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। सोचिए अगर ये सुपर टेट का पेपर होता तो क्या होता। देखिए दोस्तों इस बार आपसे जो गलतियां हुई हो ना, उसको स्वीकार करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, और अगली बार टेट का पेपर अच्छे से देना। एक बात और आपको बता दें, आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या सुपर टेट का भैया फॉर्म आने वाला, क्या शिक्षक भर्ती आने वाली, यूपी टेट का तो पेपर हो गया। देखिए आचार संहिता चल रही है, 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, सरकार बनेगी, समय लगेगा। इतना मान के चलिए दोस्तों, नई वैकेंसी आने से पहले यूपी टेट हो पाए या ना हो पाए, लेकिन सीटेट की परीक्षा जरूर होगी, क्योंकि सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है, ठीक है,
तो आप लोग परेशान मत हो। जिन बच्चों का भैया बैक लग रही, लग रहा है कि भैया मेरा मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा, यूपी टेट क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, तो पहले आपको पासिंग मार्क भी जरा हम बताते हुए चले। देखिए एक और बात है कि टेट परीक्षा में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, बिना मास्क के दिखे परीक्षार्थी। तो ये भी दोस्तों अलग अलग जगह से अपडेट देखने को मिली, ठीक है। बाकी देखते हैं कोरोना के केसेस कितने बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो रिजल्ट आया था ना कोरोना वाला, कोरोना होने में लगभग 1 से 2 हफ्ते या 10-10 दिन का दोस्तों समय लग जाता है कि मतलब इसके जो लक्षण दिखते हैं। तो अगले 10 दिन दोस्तों आपको बेहद सावधानी बरतनी है 10 दिन तक, ठीक है, अच्छे से। तो जरा हम बात कर रहे थे कोरोना वाली, और उसके बाद दोस्तों देखिए पासिंग मार्क। हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर, अगर आपका एक नंबर भी कम है तो फिर आप पास नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोग ओबीसी, एससी, ठीक है, या एसटी कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप के अंतर्गत आते हैं तो भी आपको पास होने के लिए 82 नंबर, भले आप जनरल कैटेगरी के छात्र क्यों ना हो। तो ये दोस्तों पासिंग मार्क, उम्मीद करते हैं अब आपके समझ में आ चुकी होगी कि ये पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। उसके बाद एक और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस समय का, कि पासिंग मार्क हो गई, परीक्षा रद्द होगी कि नहीं। देखिए दोस्तों रद्द होगी कि नहीं, अब देखिए कुछ दिन में ये मामला सामने आएगा, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन जब रिपीट हुए तो कुछ ना कुछ इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी गलती दोहराई ना जाए। अब बात थी दोस्तों वैकेंसी की। अब देखिए दोस्तों कोई भी सरकार आएगी तो वैकेंसी तुरंत दे नहीं देगी। आपको क्या लगता है कि भैया आज सरकार बने कल ही वैकेंसी आएगी? समय लगेगा। और उम्मीद है दोस्तों जिन बच्चों की भैया मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा टेट, तो उनको एक और मौका मिलेगा, ठीक है। वैकेंसी आने से पहले दोस्तों एक टेट का पेपर और कराया जा सकता है। अब बाकी एक बात है कि अगर जानते हैं चुनाव से पहले, ठीक है, मतलब दोस्तों आचार संहिता लागू होने से पहले हमारा टेट जैसे 28 नवंबर को कराया गया था, उस समय दोस्तों ये पेपर फाइनल हो जाता तब तक तो वैकेंसी मिल जाती, तब तो दोबारा टेट ना हो पाता। लेकिन अब लेट हो गया है तो एक टेट का पेपर और आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड नहीं हो रहे तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे, और मिलते हैं एक और दोस्तों वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों कितने नंबर कॉमन मिलेंगे वो हम आपको बताएंगे, और बता दें अधिकतर पेपर में दोस्तों 1 से 2 नंबर या 5-5 नंबर तक दोस्तों आपको बता दें यूपी टेट में बढ़ जाते हैं, किस्मत रहती है तो, ठीक है, कॉमन नंबर के जरिए या विकल्प चेंज हो जाता है। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।